हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको लेकर चलने वाले औरंगाबाद के कृषि विज्ञान केंद्र सीरीज की तरफ, क्योंकि ये औरंगाबाद का सबसे बड़ा कृषि विज्ञान केंद्र है। चलिए अब हम इसको अंदर से भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा व्यू। ये देखिए, यहाँ हर एक तरह का आपको पौधा, हर एक तरह का आपको क्या नाम है, फूल, सब चीज़ का आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं और नज़दीक से। ये देखिए, ये है आपको गुलाब का फूल। ये क्या है, सूरजमुखी है क्या? हाँ, ये सूरजमुखी का फूल का। और ये गेंदा का फूल है, ससुराल गेंदा फूल। चलिए और भी चीज़ आपको दिखाते हैं। यहाँ हर एक तरह का फूल मिलेगा। भाई यार, क्या खूबसूरत है यार। अरे भाई साहब, हैं आप, क्या ही खूबसूरत है ये यार, और काफ़ी बड़ा है। कौन बोलता है कि गुलाब से सुगंध ख़त्म हो गया है? मैं यहाँ बैठा हूँ गाइस, कसम बता रहे हैं भाई, इससे अच्छा सुगंध नहीं सुने होंगे आप। ये अद्भुत सुगंध है भाई। और ये देखिए, यहाँ पे सारा चीज़ लगे हुए हैं एक से एक, क्योंकि यहाँ पे पूरा देखिए दूर तक, वो देखिए सारा चीज़, क्योंकि यहाँ पे लोग जो स्टूडेंट लोग होते हैं, जो कृषि से संबंधित कोई चीज़ पढ़ाई करते हैं, वहाँ ये यहाँ आकर वो सारे चीज़ का अध्ययन करते हैं। और ये देखिए, सारे चीज़ का नाम बोर्ड लगा हुआ है। चलिए आगे और हम आपको दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं, सबका बोर्ड लगा हुआ है कि ये चीज़ है BHU-31। हमको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि ये क्या है। चलिए फिर और आगे हम आपको दिखाते हैं। ये पूरा साइड से ऐसा फ्लावर लगाया हुआ है कि खूबसूरत, इतना खूबसूरत लग रहा है, हम क्या आपको बता नहीं सकते। और ये देखिए साहब, कभी यहाँ पे कुछ गेहूँ लगाए हुए हैं, कुछ धान लगाए हुए हैं। चलिए अभी और दिखाते हैं आपके, यहाँ मतलब हर प्रकार के ये गेहूँ के दाने लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये आपको है साबोर श्रेष्ठ, और वहाँ पे है पूजा तेजस। अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा, साबोर श्रेष्ठ कौन सी और पूजा तेजस कौन सी है, पर आपको समझ में आता होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में करके इसको बताइए किसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये मेरे को कुछ संस्कृत वर्ड लग रहा है। और ये देखिए, ये कज़ब का ही खूबसूरत लग रहा है मेरे भाई। और ये देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र बीज संरक्षण इकाई, एक है कि इसी में पूरा सारा चीज़, मतलब कि इसमें सारे चीज़ का यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या क्या चीज़ है। आप इसमें अंदर आके आप जाकर देख सकते हैं कि आपको अगर पता नहीं है तो ये क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे सारे चीज़ के पौधे का लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए अब कुछ एग्रीकल्चर के बारे में। चलिए और वो देखिए, वहाँ सामने लगा हुआ है सारा का सारा चीज़ यहाँ पे लगा, जितने जड़ी बूटी हो गए, एलोवेरा हो गया, फिर आम हल्दी हो गया, फिर जल ब्राह्मी हो गया, फिर काली हल्दी, सारा चीज़ें यहाँ पे, हरजोर हो गया, काली मुलसी हो गया, मतलब सारा चीज़ जितना जड़ी बूटी होता है ना गाइस, सारा का सारा जड़ी बूटी इसके अंदर आपको मिलेगा। ये सारा चीज़ का पौधा है, इसी के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ से पढ़ाने के लिए ये चीज़ लगाया गया है कि जो लोग एग्रीकल्चर का पढ़ाई करते हैं ना, वो यहाँ आकर अपना ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि ये औरंगाबाद का सबसे बड़ा कृषि विज्ञान केंद्र है। यहाँ देखिए, ये सारा लाजवंती हो गए, ये देखिए लाजवंती हो गए, वन व्यास हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। अपने बिहार में भी कुछ कमी नहीं है, मगर बढ़िया से लोग अगर सीखे, यहाँ पढ़ाने के लिए कोई चीज़ की कमी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारा चीज़ बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, इसमें जो सारा चीज़ लगा हुआ है, ये कृषि विज्ञान केंद्र औषधि एवं, यहाँ पे सारा औषधि, मतलब जो लोग दवा हुआ में यूज़ करता है, वो सारा चीज़ इसमें लगा हुआ है, पूरा टोटल का टोटल चीज़, जो चीज़ जड़ी बूटी बनने में काम देता है। और ये देखिए, और यहाँ पे मशरूम उत्पादन सब कुछ लगा हुआ है, मशरूम उत्पादन इकाई। यहाँ पे देखिए, ये है लेमन ग्रास। चलिए अभी और आके आपको दिखाते हैं।
उसको गर्मी मार रहा है, चक्कर मार देगा थोड़ा देर में। और ये देखिए, ये है मिर्चा का पौधा, ये पूरा मिर्चा का पौधा है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया कृषि विज्ञान केंद्र का ही के अंतर्गत ही आता है। और चल के हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे सारे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाली जड़ी बूटी, यहाँ पे ए टू जेड चीज़ का है, आम से लेकर इमली तक जो आप खोजेगा यहाँ पे सारा चीज़ आपको मिलेगा। जो फ्लावर चाहिए वो फ्लावर आपको मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। अभी तो बहुत गर्मी भी हो गया है, यहाँ पर हालत ख़राब हो रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी है। ये है यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र, क्योंकि यहाँ पर लोग का ट्रेनिंग होता है, जो भी एग्रीकल्चर से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं यहाँ पर आते हैं और सारा इसी में ट्रेनिंग लेते हैं कुछ बढ़िया रिसर्च विसर्च के बारे में। और वो देखिए, चलो वहाँ चलते हैं। यहाँ पे जो है घास उगाने से लेकर घास काटने तक का तरीका सिखाया जाता है, क्योंकि भैया आप क्लास कर रहे हैं कृषि से रिलेटेड, तो आपको सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे सारा पौधा लगा हुआ है, कुछ सीसों का पौधा है, वहाँ पे अमरूद का है। ये देखिए, ये इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम बायोचर इकाई बिहार कृषि विश्वविद्यालय। ये भागलपुर से है, इसका सारा बीज भंडार इसी में सारा सामान रखता है। पुराने ज़माने में लोग इसी टाइप के भंडार का यूज़ करते थे। चलिए अभी चलते हैं फिर, अब बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रहा है। ये फ्लावर, इसका तो हमको नाम भी नहीं पता है, यहाँ पर ऐसा चीज़ है कि जिसका हमको नाम भी नहीं पता है। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए चना का खेती हो रहा है। ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं ना, ये पूरा इसी कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत आता है। और ये सारा जो जहाँ जहाँ तक बोर्ड मारा हुआ है, ये सब इसी के अंदर में आता है। इसमें थोड़ा सा लोग अपना रोपण भी कर लेते हैं और बच्चे पढ़ाई भी कर लेते हैं इसी को देख देख कर। चलिए फिर निकलते हैं अब इसके बाहर बस ही। और फाइनली गाइस, आपको वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, और वीडियो में ज़रा सा ही मज़ा आया गाइस, तो वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये है आपका औरंगाबाद का सबसे बड़ा कृषि विज्ञान केंद्र। एग्रीकल्चर के बारे में सारा रिलेटिव जो भी चीज़ होगा यहीं आपको मिलेगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। सी यू, बाय।